लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जनता का उत्साह है वो तो देख ही पा रहे हैं आप। साथ ही क्या कहता है जनता का मिजाज ये जानने के लिए पहुंचे हैं हम कैराना सीट पर। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरफ हिंट क्या दे रहे हैं लोग, किसके पक्ष में पलड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ज़रा एक हिंट दे के बताइए कि किस तरीके से चुनाव चल रहा है और किसका पलड़ा ज़्यादा भारी। इसमें जो पलड़ा भारी है वो चौधरी प्रदीप जी का है। क्यों? अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, विकास किया। आप हिंट दीजिए, पलड़ा किसका भारी है और क्यों? क्योंकि पलड़े भारी तो एनडीए का ही है यहाँ भारी। अब क्या है, पहले भी 92,000 से जीते थे, आपको तो हमारा आरएलडी का भी हमारा गठबंधन हो गया। अब तो हमारे सामने कोई यही नहीं, नाम मात्र को है कोई नहीं, बहुत भारी जीत है। आप हिंट दीजिए इस बार क्या चल रहा है क्षेत्र में, किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है और क्यों? देखिए, अब के जो पिछली बार 96,000 से हमारे संसद जी प्रदीप चौधरी से जीते थे, और अब तो लोक दल का गठबंधन हो गया, अब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कुनबा बढ़ गया और अब के चार तो प्रदीप चौधरी जी पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने का काम करा जाएगा कैराना सीट से, और सहारनपुर की सीट भी अब की बार बहुत बढ़िया रिजल्ट से जो है आगे निकली। मुस्लिम समाज भी अब के बहुत ज्यादा वोट दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी वोट दे रही है। एक बात और है, जो हमारे जो माननीय सांसद जी है उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत जबरदस्त रहा। ऐसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमें तो आज तक देखने के लिए नहीं मिले हैं, और आगे भी अब की बार पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उनका चुनाव जीतने जा रही है। अजीब की बार 400 पैर की बार 400 पैर 400 पार के साथ प्रदीप चौधरी जी हैं। हाँ जी प्रदीप जी, हाँ जी बताइए। 92,000 तक तेजा गठबंधन था जी, बसपा का और जयंत का, समाजवादी का। ये भी जो है जयंत चौधरी हमारी साथ है बीजेपी के, लो बसपा अलग लड़ रही तो 250-2.5 लाख तक पैर है जी। आप हिंट दीजिए कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, आपको चुनौती किसके लिए बनी हुई? किसी के लिए भी नहीं, चुनौती तो है ही नहीं, ये तो क्लियर सीट है। पहली बार में इस बार में बहुत बड़ा अंतर है, विपक्ष खत्म बिल्कुल। हमारे साथ जैन चौधरी पहले नहीं थे, अब की बार गठबंधन हो गया तो प्लस ये 1.5 लाख वोट तो जुड़ेगा। प्रदीप चौधरी 401 पार 400 पार तो देश में, प्रदीप चौधरी 401। देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे मैं बात कर रही थी, उनसे बात करने का प्रयास करके जो हिंट है जाने का प्रयास कर रही थी। दरअसल यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार प्रदीप चौधरी का पलड़ा भारी, आरएलडी के साथ मिल जाने के बाद से ज्यादा मार्जिन के साथ प्रदीप चौधरी जीत हासिल कर। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जनता का उत्साह है वो तो देख ही पा रहे हैं आप। साथ ही क्या कहता है जनता का मिजाज ये जानने के लिए पहुंचे हैं हम कैराना सीट पर। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरफ हिंट क्या दे रहे हैं लोग, किसके पक्ष में पलड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। जरा एक हिंट दे के बताइए कि किस तरीके से चुनाव चल रहा है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी। इसमें जो पलड़ा भारी है वो चौधरी प्रदीप जी का है। क्यों? अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, विकास किया। ठीक है, आप हिंट दीजिए पलड़ा किसका भारी है और क्यों? क्योंकि पलड़े भारी तो एनडीए का ही है यहाँ भारी। अब क्या है, पहले भी 92,000 से जीते थे, आपको तो हमारा आरएलडी का भी हमारा गठबंधन हो गया, अब तो हमारे सामने कोई यही नहीं, नाम मात्र को है कोई नहीं, बहुत भारी जीत है। आप हिंट दीजिए इस बार क्या चल रहा है क्षेत्र में, किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है और क्यों? देखिए, अब के जो पिछली बार 96,000 से हमारे संसद जी प्रदीप चौधरी से जीते थे, और अब तो लोक दल का गठबंधन हो गया, अब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कुनबा बढ़ गया और अब के चार तो प्रदीप चौधरी जी पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने का काम करा जाएगा कैराना सीट से, और सहारनपुर की सीट भी अब की बार बहुत बढ़िया रिजल्ट से जो है आगे निकली। मुस्लिम समाज भी अब के बहुत ज्यादा वोट दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी वोट दे रही है। एक बात और है, जो हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत जबरदस्त रहा। ऐसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमें तो आज तक देखने के लिए नहीं मिले हैं, और आगे भी अब की बार पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उनका चुनाव जीतने जा रही है। अजीब की बार 400 पैर की बार 400 पैर 400 पार के साथ प्रदीप चौधरी जी हैं। हाँ जी प्रदीप जी, हाँ जी बताइए। 92,000 तक तेजा गठबंधन था जी, बसपा का और जयंत का, समाजवादी का। ये भी जो है जयंत चौधरी हमारी साथ है बीजेपी के, लो बसपा अलग लड़ रही तो 250-2.5 लाख तक पैर है जी। आप हिंट दीजिए कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, आपको चुनौती किसके लिए बनी हुई? किसी के लिए भी नहीं, चुनौती तो है ही नहीं, ये तो क्लियर सीट है। पहली बार में इस बार में बहुत बड़ा अंतर है, विपक्ष खत्म बिल्कुल। हमारे साथ जैन चौधरी पहले नहीं थे, अब की बार गठबंधन हो गया तो प्लस ये 1.5 लाख वोट तो जुड़ेगा। प्रदीप चौधरी 401 पार 401 पार 400 पार तो देश में, प्रदीप चौधरी 401। तो
देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे मैं बात कर रही थी, उनसे बात करने का प्रयास करके जो हिंट है जाने का प्रयास कर रही थी। दरअसल यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार प्रदीप चौधरी का पलड़ा भारी, आरएलडी के साथ मिल जाने के बाद से ज्यादा मार्जिन के साथ प्रदीप चौधरी जीत हासिल करेंगे।